हमारे शरीर पर तिल होना आम बात है। कई तिल तो शरीर में जन्म जात होते हैं, लेकिन कई तिल ऐसे भी होते हैं जो बाद में हो जाते हैं। तिल समय के अनुसार छोटे बड़े या फिर गायब भी हो सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार तिलों का महत्व उनके आकार के साथ बढ़ता रहता है। भारतीय और चीनी ज्योतिष में तिलों को जातक के भाव के सूचक के रूप में जाना जाता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार शरीर में अलग अलग जगह पर होने वाले तिलों के माध्यम से हम अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये भाग्य में बदलाव भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इन तिलों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व और किस्मत के बारे में जाना जा सकता है। समुद्र शास्त्र के माने तो ये तिल मानव जीवन के कई रहस्यों के बारे में भी बताते हैं। जैसे माथे पर तिल का होना मनुष्य को भाग्यवान बनाता है, जबकि होठों पर तिल कामुकता का प्रतीक होता है। तिल स्त्री के शरीर पर बाएं भाग में और पुरुषों के शरीर पर दाएं भाग में शुभ माना जाता है। शहद की रंग भूरे पन्ना की तरह हरे और लाल रंग के तिलों को काले तिलों की अपेक्षा अधिक शुभ माना जाता है। काले तिल आमतौर पर अच्छे नहीं माने जाते हैं। समय के अनुसार आपको बता दें कि तिल के आकार का भी विशेष महत्व होता है। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर पर तिल का आकार जितना छोटा होता है, ऐसे तिल देखे नहीं जा सकते हैं। इनका कोई खास प्रभाव नहीं होता है। यदि बड़े तिल हो तो व्यक्ति के जीवन को खास प्रभावित करते हैं। लंबे तिल सामान्यतः अच्छे परिणाम देते हैं। सिर पर दाई और तिल हो तो व्यक्ति को ऐश्वर्य और सुख भाग्य की प्राप्ति होती है, जबकि बाई और तिल साधारण फल ही देते हैं। हालांकि महिलाओं में बाई और कतिल शुभ फल प्राप्त कराता है। यदि किसी व्यक्ति के दाई कनपटी पर तिल हो तो ये शीघ्र ही विवाह का सूचक होता है। इसके अलावा सुंदर पत्नी अचानक धन लाभ भी देता है। बाएं कनपटी का तिल अचानक विवाह का सूचक तो होता है, इसके साथ साथ आपको धन प्राप्ति भी होती है। हालांकि ऐसी भी आशंका होती है कि ऐसा धन शीघ्र ही नष्ट भी हो जाता है। वहीं स्त्रियों के बाएं गाल पर तिल होना शुभ होता है, इस योग संतान की प्राप्ति होती है। यदि तिल बोहे की नाक पर माथे पर होता है तो स्त्री को राजपद की प्राप्ति होती है। नाक के आगे वाले तिल हिस्से में आपको बता दे तो स्त्री को परम सुख की प्राप्ति भी होती है। दाहिनी भौं पर तिल सुखमय दाम्पत्य जीवन का संकेत है, जबकि बाएं भौं पर तिल विपरीत फल देता है। पलकों पर तिल शुभ नहीं माना जाता, भविष्य में किसी के कष्ट के आने का संकेत है। कनपटी पर तिल जातक को वैरागी या सन्यासी बनाते हैं। नाक के अग्रभाग पर तिल व्यक्ति को विलासी बनाते हैं। ऊपरी होठ पर स्थित तिल धनवान प्रतिष्ठावान बनाते हैं, जबकि नीचे के होठ पर तिल जातक के कंजूस होने का संकेत देते हैं। ये है वो तिल। अगर आपके कहीं भी ये तिल हैं तो आपको शुभ और अशुभ जैसे कई फायदे पहुंचाते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से नाजमिन की रिपोर्ट।